चलिए बढ़ते आगे। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो उस लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। दोस्तीकरण पर तय हो सकती है गाइडलाइन, तो जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देश भर में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम फैसला आ सकता है, देश की निगाहें इस एक्शन को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है बुलडोजर एक्शन को लेकर, और माना जा रहा है कि आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे देश में सभी राज्यों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन को झटका लगा था। और देखिए, चूंकि जमीयत उलेमा हिंद समेत कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसने बुलडोजर एक्शन को लेकर याचिका दाखिल की थी, और उस याचिका में खासतौर पर उन प्रदेशों में बुलडोजर एक्शन को चुनौती दी गई थी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खासतौर पर अगर हम बात करें चाहे उत्तर प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, या दूसरे प्रदेश हो गए जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिले, तो इन राज्यों में हुए बुलडोजर एक्शन को आधार बनाते हुए वो याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया गया था। हालांकि देखिए, राज्य सरकार की अपनी दलीलें थी कि जहां भी बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पर कानून के दायरे में ही बुलडोजर एक्शन किया गया है, और जो अवैध लोग हैं जिन्होंने अवैध संपत्तियों का निर्माण किया है, जो माफिया टाइप के लोग हैं जिन्होंने सिंडिकेट बनाकर अवैध संपत्ति इकट्ठा की है, उनके ऊपर कानून के दायरे में बुलडोजर एक्शन किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उन तमाम एक्शंस पर रोक लगाते हुए आज की कार्रवाई सुनवाई सुनिश्चित की थी, और माना जा रहा है कि आज की सुनवाई में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा या जो गाइडलाइन तय की जाएगी वो आधार बनेगी आने वाले समय में बुलडोजर एक्शन के लिए किसी भी राज्य में। बिल्कुल, आज के आदेश के बाद ये भी तय हो जाएगा कि किस तरह से पराठा भरता हुआ ये बुलडोजर नजर आएगा आगे।